Welcome back to the room, All Saints, part number 2. Continue game पर क्लिक करेंगे. लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया है the room, All Saints का. हम खेल रहे हैं ये गेम PC पर और आ चुका है सेकेंड लेवल. एज सच इसमें कोई लीनियर लेवल्स नहीं है, लेकिन आप जो है इन पार्ट्स इस गेम को कंप्लीट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक. और हम देखेंगे हमारी इन्वेंट्री में क्या चीज़ मौजूद है. हमारी इन्वेंट्री में सिर्फ दो चीज़ें मौजूद है, अ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट. तो इसे हम एक नज़र मार लें कहीं से ये ओपन होता हो, क्योंकि मुझे इस साइड पर एक शील्ड नज़र आई है. इसको प्रेस करके रखें लेफ्ट क्लिक से और ऐसा ही हुआ. इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट आपको मिलता है उसको इन्वेंट्री में जाकर ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया करें, उसको खोलने की कोशिश किया करें. हमें मिला है अस्वान फिगरीन, और इसके अलावा बाकी जो कुछ भी था वो हमने वेस्ट कर दिया है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं था. स्वान फिगरीन आ गया है हमारे पास जी. बैक जाएं और इन्वेंट्री में हमारे पास फर्स्ट नंबर पर क्या मौजूद है, एन ऑर्नेट मेटल पैनल. इसको भी जो है एग्जामिन कर लें घुमा कर, कहीं से इसको शेप चेंज कर सकें, कहीं पर इसको आप खोल सकें कहीं से. तो अगर ऐसा कुछ नहीं लगता आपको, आप बैक बटन पर क्लिक कर सकते हैं. हमारे पास है एक ऑर्नामेंट और एक है स्वान फिगरीन. ये खाली जगह आपको याद होगी, यहाँ पर डबल क्लिक करें डॉल हाउस में. आई थिंक हमें यहाँ पर ट्राई करना चाहिए स्वान फिगरीन लगाने की, क्योंकि दूसरी तरफ डियर मौजूद था जिसका रूप हमने चेंज किया था. हाँ जी, स्वान फिगरीन लग चुका है और वहाँ पर एक ड्रा ओपन हुआ है पहले की तरह, और उसमें से हमें मिला है मॉडल लैम्प. तो क्या अब ये गेम हेल्प करेगी हमारी कि हमने ये चीज़ें कहाँ लगानी है? नहीं, हमें खुद से ही ढूंढना पड़ेगा कि मॉडल लैम्प हमने कहाँ पर लगाना है, और जो है ये ऑर्नेट मेटल पैनल ये हमने कहाँ पर लगाना है. मॉडल लैम्प को भी एक दफ़ा अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लें कहीं से ये ऑन होता हो या खुलता हो कहीं पर. तो ऐसा सच अगर कोई चीज़ नहीं है ऐसी तो आप बैक जा सकते हैं. अब हमें ढूंढनी है प्लेसेस इनको लगाने की. तो आई थिंक इतना मुश्किल काम नहीं है. पहले हमें ढूंढना है कि हम कहाँ पर लगा सकते हैं मॉडल लैम्प. ओ आई थिंक आई फिगर्ड इट आउट. अगर आप मॉडल हाउस के लेफ्ट साइड पर देखें यहाँ पर दो लैंप्स हैं, और अगर राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक लैंप है. तो हमें लगाना है ये मॉडल लैंप. इस पर डबल क्लिक करके फोकस करेंगे और मॉडल लैंप को ला कर यहाँ पर लगा देंगे. लाइट्स ऑन हो गई हैं सारे के सारे डॉल हाउस की, और अब हमारा फोकस आ चुका है राइट साइड पर. ना सिर्फ राइट साइड पर बल्कि चारों तरफ घर के. आई थिंक अब हम इस घर को पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं साइडों से, फ्रंट से. पहले हम सिर्फ फ्रंट से ही एक्सप्लोर कर पा रहे थे. और कैमरा घूम कर फिर से फोकस हो चुका है फ्रंट साइड पर. घर की लाइट्स ऑन हो गई हैं, एक पूरा चक्कर लगाया है कैमरे का घर के चारों तरफ का. अब हमारे पास रह गया है ऑर्नेट मेटल पैनल. तो आई थिंक सो इसको भी कहीं पर लगाना पड़ेगा जो कि मिसिंग है कहीं से. आई थिंक इस जगह से आप देख सकते हैं एक पैनल जो है वो अटैच्ड है और सेकंड वाला गायब है. तो ऑब्वियसली इसको ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से यहाँ पर लगाएं. तो हुआ तो कुछ भी नहीं. ओ हमें इसको थोड़ा जो है एडजस्ट करना होगा. आई थिंक सो यस, इस तरीके से. असल में हमें करना क्या है, हमें लेफ्ट साइड पर जैसे है शेप इन पांच के पांच गियर्स की, वैसी शेप हमें बनानी होगी राइट साइड पर. आई थिंक सो ओके. तो ये है 12 o'clock, यानी अगर आप घड़ी की बात करें तो इसके बज रहे हैं 12. ये है 1, ये है 5, ये है 6. तो 12165, ये नोट कर लें और इसको फोकस करें.
इसको 12 पर लें और इसको 1 पर ही है, 1 पर ही छोड़ दें, और इसको हमने लाना 6 पर, तो ऐसे करके इसको 6 पर ले आए, और इसको लाना था 5 पर, ये ऑलरेडी 5 पर है, तो अभी तक हुआ कुछ नहीं। आई थिंक इनकी प्लेसेस चेंज करनी है, दोबारा से चेक कर, इस वाले सेंटर वाले का इशू है। यस, सेंटर वाले को हमने नोट नहीं किया, सेंटर वाला जो है उसका नीचे की तरफ रुका है गियर का, तो हमें इस वाले को भी नीचे की तरफ लाना होगा, लेकिन अब हम इसे मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि ये फंसा हुआ है इस तरह। तो पहले हमें सारी की सारी जो निब्स हैं, सुइयां हैं, वो अंदर वाली साइड पर कर लेनी है ताकि अंदर वाले को हम आसानी से घुमा सकें, और उसके बाद फिर इसे शायद मूव कर सकें ऐसे नीचे की तरफ। अब बारी है बाकी चीज़ों को ऑर्डर में लाने की, तो इसके फिर से 12 बजा देंगे, इसका 1 बजा देंगे। बाय द वे ऊपर आ चुका है, द क्वेश्चन मार्क बटन विल ग्लो व्हेन अ न्यू हिंट इज अवेलेबल, हिंट्स कैन बी डिसेबल्ड फ्रॉम द ऑप्शंस मेन्यू। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क देखें जो कि आप टॉप लेफ्ट साइड पर आपकी स्क्रीन के, इस पर क्लिक करके आपको मिलेगी हिंट, तो अगर आप इस गेम में कहीं पर फंस गए हैं तो आप हिंट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर उस हिंट से भी आपका इशू सॉल्व नहीं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे गेम में, फिर दोबारा कुछ ही देर बाद ये फिर से ग्लो करेगा क्वेश्चन मार्क टॉप लेफ्ट साइड पर, फिर से आप क्लिक करके इस पर नेक्स्ट हिंट एक जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइनली थर्ड टाइम जो है ये ग्लो करेगा और आप थर्ड हिंट भी पढ़ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि 3 हिंट्स के बाद आप जो है सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक हमें किसी हिंट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हम फंसे तो हम इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। 12 1 6 इस पे लाने, यानी सुई को नीचे करना है, इसको 5 पे लाना है। दैट्स इट। तो इस घर का जो है राइट साइड वाला हिस्सा वो भी अब हमारे पास एक्सप्लोरेबल है, और आप जानते हैं अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है आई पीस, रूम पर डबल क्लिक करना है रूम में एंटर होने के लिए। फाइनली इस रूम का नाम है स्टडी, तो स्टडी जो है एरिया है ये, इसको आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, राइट लेफ्ट टर्न करके क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। पहले तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है ये, मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक जगह से स्टार्ट लें, सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है एट फर्स्ट। जैसे कि हम स्टार्ट लेंगे अब इस स्टडी टेबल से, इसके साइड पर देखें तो हमें नज़र आएंगे 3 स्विचेस, आई पीस में आप निशान भी देख सकते हैं, तो अगर आप कहीं पर फंस गए हैं तो आई पीस यूज़ करें, और मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं देता। अच्छा जी, हमें यहाँ पर फोकस करना है डबल क्लिक करके, यहाँ पर आई थिंक 3 बटन्स हैं लेकिन प्रेस नहीं हो रहे हो, यहाँ पर बॉल है और यहाँ पर भी छोटा सा कोई पजल, आई थिंक सो, एक बॉल आकर यहाँ पर फिक्स हो गई है, तो बाकी किधर है? एक बॉल आ गई है और वो यहाँ पर फिक्स हो रही है, बाकी 2 बॉल्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं है, मे बी ये पजल जो है अभी ना ओपन हो सकता हो, हमें इसको फिलहाल स्किप कर देना चाहिए, राइट क्लिक से वापस आ जाएं और अपना आई पीस जो है उसको यूज़ करें, देखें कहाँ पर कोई चीज़ आपको नज़र आती है, और अब टॉप पर देखेंगे ये क्या है, ये कौन सा पजल है। तो ये पजल है बेसिकली, आपने इस डायल को घुमाते हुए सारे के सारे नंबर जो हैं वो हाईलाइट करने हैं, ग्लो करने हैं, तो आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं।
अब दोबारा ग्लो नहीं हो रहे नंबर, एक दफा आई थिंक मैंने गलत कर दिया, अब हुआ। What the hell? नो नथिंग एनीथिंग एल्स हेयर, फटी हुई तस्वीर है। और ये क्या है? दिस हैंडल इज फिक्स्ड इन पोजीशन, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक वक्त आ गया है हिंट लेने का, क्योंकि स्टडी टेबल जो है उसके दो पजल थे, लेकिन हम ये फ्रंट चेक कर लें पहले, यहाँ पर कुछ है नहीं, बैक साइड पर नहीं। हमें फ्रंट इसी पजल से शुरुआत करनी होगी, और मुझे कुछ मिसिंग हो रहा है इस पजल में से। एक्स, ये व्हाट्स रॉन्ग? चलें हिंट लेकर देखते हैं, और देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करते हैं। There's something strange set into the right side of the roll top desk in the study. I should investigate. Right side के बोल रहे हैं जी, roll top desk। Right side पर हम गए थे इस जगह पर, लेकिन हमें इस पजल की समझ नहीं थी लगी कोई भी, क्योंकि यहाँ पर एक ही बोल है और उसको हम कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे सिवाय सेंटर के। अगर इस बॉल को आगे लेकर जाते हैं तो आगे ये जाना नहीं चाहती, क्योंकि आगे जगह नहीं है ऐसी सच कोई। फिर दूसरी लेते हैं। आई कैन मूव दैट ब्रास स्लाइडर इन द साइड ऑफ द रोल टॉप डेस्क अप टू 3 डिफरेंट टाइल्स। द पिक्चर्स ऑन ईच टाइल लुक लाइक सम काइंड ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, तो पजल इधर ही है, लेकिन है क्या? बारी बारी शायद इनको टच करना हो, यानी पहले सेंटर वाली फिर लेफ्ट वाली, नो सेंटर वाली, राइट वाली और फिर लेफ्ट वाली। यस हाँ, आई कुड हैव डन दैट, नो जोक। यहाँ पर देखते हैं, ड्रा ओपन हुआ है एक, और एक और पजल साथ लेकर आया है बहुत बड़ा। राइट साइड पर आप देखें तो फेमिलियर सी चीज़ नज़र आती है, यानी कि आप आई पीस अपना पहन कर यहाँ पर जा सकते हैं, इस मैकेनिज्म को आप चेंज कर सकते हैं। हमें शेप्स मैच करनी है, हम सिर्फ राइट और लेफ्ट वाला ब्लॉक मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन वाला नहीं कर सकते। चलें शेप मैच करने की कोशिश करते हैं, एक हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है आई थिंक सो। अब इधर भी मैच करना है जी, सिर्फ एक जगह नहीं मैच करना। दैट्स वियर्ड, ये भी हो गई। नेक्स्ट जाने दें, घुमाएं, ये भी हो गई है। तो ये तीन शेप्स मैच करने पर आपको मिला है एक न्यू ड्रॉ। देखते हैं इसमें क्या है भाई। ओह, पजल पर पजल, पजल पर पजल। इसको घुमाते हैं तो ये खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये तो भाई, खुल गया फिर बंद हो गया। इसका करें क्या? आप राइट क्लिक से जूम आउट करें तो और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये भी एक पजल हो आया था, लेकिन ये लॉक है, इसको हम रोटेट नहीं कर सकते, बहुत पक्का लॉक है। वापस इधर जाकर देखते हैं भाई, यहाँ क्या मसला है? कैंट
साइड पर देखते हैं इस ड्रा के। ओ वाओ, लेकिन ये आगे नहीं आ, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। हिंट लेने के बारे में सोच ही रहा था मैं, तो अचानक से पता चल गया करना क्या है। यहां से हमें मिला है अ फायर स्टील। ये ओके, व्हाट्स नेक्स्ट। ये पजल तो फिर भी वहीं का वहीं, इसका क्या करूं भाई। फायर स्टील तो नहीं लगाना इधर, लेकिन उसे कैसे लगाएंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कोई भी नहीं इन्वेंट्री में। इसकी नहीं समझ आ रही भाई, ये क्या है। तो ये ड्रा बंद करते हैं। ओ वहां पर वो घूमता है, यानी कि इसको यहां पर रखना है। ओके फाइन, दैट्स कूल। और इसको घुमाने से कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। फुल घुमाते हैं, फिर से वापस आ जाता है। क्या ख्याल है, और कोई जगह है? ये क्या है, यहाँ पर आई थी, इससे कुछ नहीं नजर आ रहा। अंधेरा है फिलहाल यहाँ पर। नथिंग नथिंग नथिंग। यहाँ पर कोई चीज लगा सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास है कुछ नहीं। फायर स्टील तो नहीं लगेगा इधर। आह, हिंट का वेट कर लें फिर। हिंट आती है तो वो बताती है कि यहाँ पर करना क्या है। यहाँ कहीं और एक्सप्लोर करें, यहाँ पर मैं अभी पंगा नहीं करना चाहता किसी किस्म का, ना ही इस तरफ। सेफ को देखें, सेफ खुली है कि नहीं। नहीं भाई, लॉक है, लॉक बड़ा पक्का लॉक है। ये ड्रा खुला है। हाँ जी, मेडालियन विथ फोर होल्स। डैम, ये कहाँ पर लगेगा अभी, इसका कोई अता पता नहीं। दूर तक मैंने ऐसी चीज कोई देखी भी नहीं है अभी तक। वाह वाह, नेक्स्ट हिंट जो है वो अभी तक नहीं उसने पूछा हमें कि क्या आपको कोई मदद की जरूरत है। क्या करें अब। ओहो भाई, बाहर निकल गया रूम से, आई पीस लगा, अंदर जा। हाँ, राइट क्लिक दो दफा हो गया था। तो ये एरिया ये भी है, इस तरफ नहीं मैं गया, लेकिन यहाँ जा भी नहीं रहा। ओके चलें, यहाँ पर पावर नहीं आ रही। आई थिंक हमें एक ट्राई और करनी चाहिए। स्टडी टेबल को, रोल टॉप टेबल को गौर से देखें, हमने क्या मिस कर दिया। यहाँ पर अब फोकस भी नहीं हो रहा, ये फिक्स हो चुका है। ये ड्रा अपनी जगह ठीक है, लेकिन 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 अगर हम इसे ऐसे करें, ऐसे करें, पुल खोल दें, फिर इसको घुमाएं, कोई फायदा नहीं। इसको थोड़ा सा बंद कर दें। समथिंग शुड फिट हेयर। ओ माई गॉड, ये फिट होना इधर। ये ले भाई, खुदा का वास्ता है, और खोल दे इसे। ये हमें दे दे। अ शेप्ड मेटल पीस, मेटल पीस, मेटल पीस। ओके, इसने कहाँ लगना है भाई, शेप्ड मेटल पीस में। यहां पर ये तुक्का, तुक्का। खोलो 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 खोलो, ड्रास खोलो, लेफ्ट क्लिक से खोलो, ऐसे करके। ओ आई पीस टाइम। ओ दैट्स इजी आई थिंक। ओ नो, अब नीचे हुई भी पीस हैं जो आप मूव कर सकते हैं। शेप में कुछ गड़बड़ है, अब ठीक है। क्या ख्याल। हाँ नेक्स्ट, ये शेप बनी है राइट साइड से, इसको छेड़ते नहीं है, और घुमाते हैं लेफ्ट वाले को। क्या ख्याल है, चलो पता लग जाएगा। अभी थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला, नीचे वाला, यस समथिंग इज
रॉन्ग विद दिस इमेज। यस यस, तीनों कंप्लीट हो गई। बदले में हमें क्या मिलेगा बाबू? ये मिलेगा, ये राइट साइड पर क्या है? वाह, दराज के अंदर दराज दराज, लेकिन ये खुल नहीं पा रहा भाई। दो बटन थे वो दबाएं, अब खुल गया। और हमें मिला है अ क्रैंक हैंडल। अच्छी तरह तलाशी ले लिया करें, दराज के अंदर भी कोई दराज होता है। और मज़े की बात बताता चलूँ आपको, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये कटिंग वाले पैकमैन के तरह के वाइट, और ये राइट साइड पर, इसका मतलब है यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को। यानी अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें इसे यहाँ पर रखना है ताकि हमें जब ये दराज खोलने का वक्त हो हमें आसानी हो। समझ गए हैं आप, बहुत समझदार हैं। यहाँ पर यही कुछ था आई थिंक सो। यस, अच्छा तो ये जो मैं बात कर रहा था, जब इस दराज को खोलने की बारी आएगी, दो हम सीधे कर चुके हैं, दो हमें सीधे करने हैं। एक वाला हमने जो है यहाँ से कंट्रोल किया था, और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम सिंबल मौजूद है। राइट क्लिक से फोकस आउट, हमने अब जाना है इधर। ताला खोलो, उठाओ, क्रैंक हैंडल लगेगा यहाँ पर, पक्की बात है। और इसको घुमाएंगे, ओह सम काइंड ऑफ पजल वंस अगेन। हमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, हमें डायमंड्स को मूव करना है राइट साइड पर, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें डायमंड की शेप बनी ब्लू कलर में, और इन मून्स को जो कि रेड में है, हमें मूव करना है राइट साइड पर, यहाँ पर शेप बनी है। सिंपल एज दैट, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ है। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें एक मून उठाना होगा ऐसे, इसको क्रैंक को घुमा कर लाना होगा इधर, एक डायमंड उठाना होगा आई थिंक सो, डायमंड को यहाँ छोड़ देना होगा, मून को इधर लाना होगा, मून को इधर छोड़ देना होगा, इस डायमंड को इधर लाना होगा, इस डायमंड को छोड़ देना होगा इधर, मून उठाना होगा ऐसे, मून को इधर लाना होगा, इधर लाना होगा, डायमंड को नीचे लाना होगा। लेकिन पजल अभी भी पार नहीं हुआ, वो पता है क्यों? क्योंकि डायमंड आपने लगाए हैं उल्टे, और मून भी उल्टे लगाए हैं, तो डायमंड्स ऊपर वाला जो लेफ्ट साइड पर है, टॉप लेफ्ट पर, उसका रुख नीचे होना चाहिए, और जो बॉटम लेफ्ट पर है डायमंड, उसका रुख ऊपर होना चाहिए, जैसा कि बनी है तस्वीरें वहाँ पर। इसी तरह मून भी आपको सीधे के सीधे लगाने पड़ेंगे। तो रुख सीधा करने का मेरा ख्याल है आसान तरीका होना चाहिए, ऐसे करके, ऐसे नहीं, इसे अगर इधर ले जाएं, इसे उठा लें, इसे उठा के इधर रखें, छोड़ दें इसे इधर, और ये वाला डायमंड अब नीचे ले लें, फिर दोबारा उठाएं इस डायमंड को, इसे इधर लाएं, दोनों के दोनों डायमंड ठीक लग गए। अब बारी मून्स की, तो इस वाले मून को उठाएं, इधर लाकर छोड़ें, ठीक है, इस वाले मून को उठाएं, इधर लाकर छोड़ें, इस वाले मून को उठाएं, इधर लाकर छोड़ें, इस वाले मून को उठाएं, इधर लाकर छोड़ें। लेकिन हुआ क्या है? ओह माय गॉड, आई हेट इट व्हेन दिस हैपेंस, क्योंकि एक म्यूजिक, ओह अच्छा, तो यहाँ से भी ये कंट्रोल होता है। हमें मिला है यहाँ से पार्ट ऑफ अ मॉडल वेल, ओह या दैट्स गुड। तो हम इस ड्रा को भी खोलने का बंदोबस्त कर देते हैं ऐसे करके। दैट्स इट फॉर नाउ आई गेस, बैग चले जाएं। और मेरा नहीं ख्याल यहाँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है करने को है सिवाय इस पजल के जो टॉप पर मौजूद है, जहाँ पर हमने कुछ वक्त भी ज़ाया किया है, हमसे ये कंप्लीट नहीं हो सका, तो अभी इसे छोड़ देते हैं। बैग जाएं, बैग जाएं, हमें मिला है मॉडल वेल, तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसे कहाँ लगाना है। और हमारे पास है फायर स्टील, इसका मुझे आइडिया नहीं है मैंने कहाँ लगाना है फिलहाल। आई थिंक सो
बाहर आ जाते हैं, मॉडल वेल हमने लगाना है भाई 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 भाई, हाँ, यहीं पर कहीं पर, यहाँ पर लगेगा, वेल वेल वेल, यहाँ पर लगा कर देखते हैं। यस, कुआं लगा गया है आपके घर में, इसकी बाल्टी बकेट इसको घुमाकर हम नीचे फेंकेंगे, चली गई है नीचे। और यहाँ पर एक नया रूम ओपन हो गया हमारे लिए, चलें इस नए रूम में नेक्स्ट वीडियो।